जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में भूतपूर्व सैनिकों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। हालांकि इससे संबंधित हमने पहले भी वीडियो बनाया है, यदि आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आपके पास कुछ टाइम बचा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अंतर्गत, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सुरक्षा जो विभाग है उसके अंतर्गत पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है, अस्थाई सुरक्षा गार्ड की आवश्यकता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि परमानेंट यहाँ पे जॉब रहेगी, 60 साल तक जॉब रहेगी। और यहाँ पर जो नाम है, हवलदार सिक्योरिटी का नाम दिया गया है, हवलदार सिक्योरिटी WG 3rd के अंतर्गत, जिन्होंने 15 साल सर्विस की है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के, वो इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर वैकेंसी 7 रखी गई है, जिसमें कि अनरिजर्व 43 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा OBC और NCL 46 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं, अनुसूचित जाति वाले 48 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। नंबर वैकेंसी 7 है, जिसमें कि अनरिजर्व के लिए 3 है, OBC के लिए 2 है और SC के लिए 2 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। सैनिक जो कल्याण बोर्ड है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सैलरी दी जाएगी 20,500 रुपये से, यह यहाँ पे बेसिक है। 3% डी के तहत 79,000 तक यहाँ पर दी जाएगी। उसके अलावा जो भी अलाउंसेज हैं, जिसमें कि महंगाई भत्ता है, मकान किराया है, वार्षिक जो आपका बेसिक है उसमें 30% के लाभ के साथ चिकित्सा यानी मेडिकल अलाउंस दिया जाएगा। समूह बीमा, PF, पेंशन, ग्रेजुटी आदि कंपनियों के नियमों के अनुसार आपको दिए जाएंगे। जो भी BL के कर्मचारी हैं, परमानेंट हैं, उनको जिस तरह से दिया जाता है यहाँ पर, उस तरह से दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि वार्षिक मूल वेतन के 30% के अनुभाग के बराबर यहाँ पे दी गई है। इसके लिए कौन कौन सी बातें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है, अभ्यर्थी को कम से कम हाई स्कूल पढ़ा होना चाहिए और एक्सेसमैन होना चाहिए आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का। उसके अलावा करेक्टर सबसे पहले एग्जाम्पल या फिर वेरी गुड तक होना चाहिए, सेफ वन होना चाहिए, AYE मेडिकल कैटेगरी में सेफ वन होना चाहिए मेडिकल में। और उसके अलावा आपको यदि फायर फाइटिंग से रिलेटेड ड्राइविंग आपके पास लाइसेंस है तो आप लोगों को यहाँ पे प्रिविलेज दिया जाएगा, तवज्जो दी जाएगी। जिसके पास नहीं भी है, सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा यहाँ पे प्रिविलेज दिया जाएगा। और बाकी यदि आपको कंप्यूटर भी आता है तो फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे प्रिविलेज दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चयन जो प्रक्रिया होगी, पात्र उम्मीदवारों को शारीरिक बल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा और इसमें सफल होने पर उन्हें लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे, तो यहाँ पर बता दूँ कि सबसे पहले शारीरिक फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा होगी और गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में ही आपको इन परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट आपको भेजने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजने हैं, उसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। और ये भी जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, स्वयं सत्यापित प्रतियाँ होंगी, जिसमें कि सबसे पहले है कि हाल ही की रंगीन पासपोर्ट आधार की फोटो, जो कि आपको अप्लीकेशन के ऊपर लगानी हो, मैं आपको आगे बताऊँगा। SSLC मार्कशीट यानी कि हाई स्कूल का जो अंक पत्र है, उसके अलावा भारतीय सेना में जो रिटायर होने के बाद डिस्चार्ज देती है, सर्टिफिकेट इश्यूड बाय इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, क्लियरली इंडिकेटिंग द मेडिकल कैटेगरी, जिसमें मेडिकल कैटेगरी के बारे में लिखा हो, उस पेज को आपको जरूर फोटो करके भेजना है। डेट ऑफ डिस्चार्ज इसमें लिखा हो, जिसमें कि एग्जाम्पली वेरी गुड आपका करेक्टर लिखा है, कोवेलेंट रिकॉर्ड आपको भेजना है। और उसके अलावा कैंडिडेट नीड टू सबमिट कॉपीज ऑफ रिलेवेंट कास्ट रिलेटेड, यदि आप उसका फायदा लेना चाहते हैं, या फिर आप ST SC OBC क्रीमी लेयर के अंतर्गत है, आप पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत है, तो आप संबंधित डॉक्यूमेंट आप भेज सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे है कि जो भी गवर्नमेंट में सर्विस कर रहे हैं अभी तक, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अंतर्गत सर्विस कर रहे हैं, वो ऑन सर्विस में अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनको भेजना होगा। हालांकि उनके लिए अभी टाइम नहीं है, काफ़ी देर हो चुकी है, यदि फिर भी उन्होंने रेडी करके रखा है तो भेज सकते हैं। और जिला सैनिक बोर्ड का जो पंजीकरण है, रजिस्ट्रेशन आपने किया हुआ है, उसका भी फोटो कॉपी आपको भेजना है। बाकी डिटेल्स आप चाहते हैं तो इस नोट पर किसी को पढ़ सकते हैं। BL की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.bl.india.in के माध्यम से भी आप इसकी जानकारी मिल सकती है। आवेदन करने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको अप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड लिफाफे के ऊपर लिखना है और इसको भेज देना है डिप्टी जनरल मैनेजर HR भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, PO भारत नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, पिन 201010, उत्तर प्रदेश। इस एड्रेस पर आपको भेजना है। ध्यान रहे, रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर किसी भी माध्यम से आप नहीं सॉरी किसी माध्यम से भेज सकते हैं, बाय हैंड एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा कि लास्ट डिलीवरी 15 अप्रैल 2023 यहाँ पे रखी गई है दोस्तों। बाकी यहाँ पे डिटेल्स और भी दिया गया है, दिशा निर्देश दिए गए हैं, इसके जो भी डॉक्यूमेंट हैं आपको उन सभी को सेल्फ अटेस्ट करके भेजना है।
बाकी जो यहाँ पे डिटेल्स हैं आप उनको पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो मेन बातें थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। 15 अप्रैल 2023 इसकी लास्ट डेट है। अभी तक अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई कर सकते हैं। इससे संबंधित मैंने वीडियो एक महीने पहले बना दिया था जिसमें कि काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज भी किया कि हमने अप्लाई कर दिया। इन जो हवलदार सिक्योरिटी है इसके लिए दोस्तों जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसका फॉर्मेट यहाँ पे आप लोग चेक कर पा रहे होंगे। नेम ऑफ द पोस्ट, हवलदार सिक्योरिटी, पर्सनल पार्टिकुलर्स यहाँ पे भरना होगा, कैपिटल लेटर में आपको भरना है, यहाँ पे फोटो आपको लगानी होगी, नेम यहाँ पे फिल करना होगा जो भी आपका है कैपिटल लेटर में, फादर्स नेम, परमानेंट एड्रेस और क्रॉस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि जिस पर आप लेटर पत्रावली चाहते हैं वो यहाँ पे एड्रेस है, तो उनको एक एड्रेस भी आप दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे देना होगा, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दो यहाँ पे दे सकते हैं घर वालों का। ईमेल आईडी आपको जरूर भेजना है। उसके अलावा जो कैटेगरी यहाँ पे दी गई है जिसमें कि ST SC OBC जनरल आप क्या हैं आपको यहाँ पे टिक करना होगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखनी होगी, 1/1/2023 तक आपकी कितनी एज हो रही है, एज ईयर्स में महीने में कितनी हो रही है वो यहाँ पे मेंशन करनी होगी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपने कब किया था आर्मी में, डेट ऑफ डिस्चार्ज आप कब हुए थे, आप जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी से रिलेटेड है तो वो भी आपको यहाँ पे डिटेल्स देनी होगी। मेडिकल कैटेगरी आपकी डिस्चार्ज के टाइम क्या थी वो यहाँ पे लिखनी होगी, किस में आपने सर्विस की है, किस फोर्स में आपने सर्विस की, आर्मी एयरफोर्स ने भी वो आप यहाँ पे टिक करना होगा। सर्विस नंबर आप आर्मी नंबर रैंक यहाँ पे लिख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका सैनिक बोर्ड से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ है, एम्प्लॉयमेंट नंबर यहाँ पे मिला हुआ है तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। करेक्टर इन डिस्चार्ज वो क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है या फिर वेरी गुड लिखा है तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। उसके अलावा एजुकेशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आपका, 10th पास है, एजुकेशन 10th पास यहाँ पे लिखना होगा। बोर्ड आपने किस बोर्ड से किया है, कब से कब तक, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, क्लास ग्रेड आपका क्या था, सब्जेक्ट आपके स्पेशल सब्जेक्ट क्या थे। उसके अलावा 10th के बाद 12th यहाँ पे कर सकते हैं और भी आपका जो एजुकेशन है। डिटेल्स ऑफ कोर्स कैडर आपने क्या किया है, रिसेटलमेंट वो भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हैं, उसमें आपको हो सकता है कुछ ना कुछ फायदा हो। प्रेजेंट एम्प्लॉयड आप कहाँ हैं वो उसकी भी डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हैं। यदि आप सरकारी हैं तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी होगी कि आपकी जो बेसिक पे क्या है, DNS अलाउंस क्या है, हाउस रेंट अलाउंस आपको क्या बनता है, सिटी अलाउंसेस क्या बनते हैं, अदर अलाउंस यहाँ पे क्या बनते हैं इसको आप देख। नॉलेज लैंग्वेज का आप किस किस को है यहाँ पे एक दो इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको हिंदी लिख सकते हैं, स्पीक आता है, बोलना आता है, रीड करना आता है, उसके अलावा इंग्लिश क्या क्या आता है आपका है तो उसको आपको बेहतर होगा आप सब में टिक करें। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं और बाकी यहाँ पर आप BL के एम्प्लॉयज़ हैं तो आप यहाँ पर डिटेल्स दे सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट है उनके डिटेल्स यहाँ पे दी गई है कि किस किस डॉक्यूमेंट आपको भेजना है दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने बताया हालांकि वही सब है इसमें और इसको भेजना होगा आपको सिग्नेचर करने के बाद। सो जो एड्रेस मैंने बताया था उसे जितनी जानकारी आज को इतना ही, जानकारी अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी तरह की अपडेट वर्ल्ड फेयर जॉब से रिलेटेड जानकारी आप यहाँ पे पा सकते हैं। जय हिंद।